पार्लियामेंट इलेक्शन के आज हमारे केवी गौतम साहब हमारे लोकसभा कैंडिडेट हैं। वो कैंडिडेट के हैसियत से हमारे असेंबली के कैंडिडेट आदिनायक साहब के एक नेतृत्व में आज हमें तैलूर में मीटिंग कर रहे हैं। तैलूर में लास्ट असेंबली इलेक्शन पूरे इलेक्शन में रिजल्ट देखे तो तैलूर में मोतकपल्ली दूलपल्ली अच्छा रिजल्ट आता। क्या वास्ते कहते कांग्रेस बेल्टी अच्छी स्ट्रांग है। इसके वास्ते आज हमारे एरिया में बड़े बड़े लीडर देखो पूरे मोस्ट सीनियर लीडर पूरे एच एरिया में से पूरे के ज्यादा एमएलए जीता भेजे तुम्हें एच एरिया से। इसके वास्ते आज जो देश की हालत देखे तो सबको सबका साथ सबका विकास को बोल रही सबका साथ सबका विनाश हो जा रहा है। आज किसका भी फायदा नहीं हो रहा है। आज हिंदुस्तान में हिंदुस्तान को आजादी दिलाई पार्टी कांग्रेस पार्टी कौसी पार्टी दिलाई आजाद हिंदुस्तान को कांग्रेस पार्टी दिलाई इसको। हिंदुस्तान में आज बच्चा पैदा हुआ तो भी पेट में पैदा हुआ तो उसे पौष्टिकांश देना उसे एक न्यूट्रिशन देना को एक ये बना को बच्चे को वहां से ले को एक शादी हुई थे का वो बच्चा स्कूल को पढ़ने को वास्ते ये एजुकेशन में कंपलसरी उसे एजुकेशन देना को एक्ट बना कोई खाना खाने के वास्ते फूड सिक्योरिटी एक्ट बना कोई हर चीज के वास्ते कानून बना कोई वो पैसा क्या तो भी बचा तो भाई ये बैंक में जमाने को वास्ते इंदिरा गांधी ले लेकर बैंक का नेशनलाइज करे आदमी के हाथ में जमीन आज नहीं थे पूरे आपको किसके ने की जब काम कर ले को थे रैयत आते थे ने जमीन नहीं थी वो पूरे किसके ने की पूरे 97% हमारा अन्ना बोला ना उनके पूरी जमीन जमींदार पूरे खाली 3% 7% जमींदार थे पूरे ने आज जमीन गए तो किसकी बदौलत तो इंदिरा गांधी की बदौलत। आज जय राजीव गांधी की तरफ से आज पूरे ने फोन है नहीं फोन फोन ले लगा सो आई टी बी टी टेक्नोलॉजी पूरी ले लगा सो हिंदुस्तान को राजीव गांधी साहब। आज जय आई टी बी टी जितने भी हिंदुस्तान क्या करे क्या करे क्या करे सत्तर पांच साल में को बोलती नहीं नो जितने भी चीजा जितने भी इंस्टीट्यूशन आज बेच रही नहीं नरेंद्र मोदी वो पूरा बनाई सो कौन बोलो ये कांग्रेस पार्टी वाले बनाई सो ये कांग्रेस पार्टी वाले बनाई नहीं रहते तो आज इन्होंने क्या भी बेच को खाना नहीं होता था। आज जे अदानी को अंबानी को एयरपोर्ट में बेच रही कौन बनाई सो ये कांग्रेस पार्टी बनाई सो जितने भी चीजा हिंदुस्तान में बन को ही हिंदुस्तान इतना डेवलपमेंट होता है हिंदुस्तान बीजेपी आई नहीं पहले कहते डेवलपमेंट थे कहते पीछे रह गया था क्या हिंदुस्तान जब आजाद हुआ एक से एक गुण सूजी के दिन सूजी बनाने की एक आई ये नहीं थी। आज हिंदुस्तान ने अमेरिका टक्कर दे रहा है आई टी बी टी में कौन ले लगा इस आई टी बी टी ये कांग्रेस पार्टी नरेगा कौन आज गाँव में आदमी काम कर रही नरेगा में कौन काम दे लगा इसको हिंदुस्तान में आज काम तुम्हें मिल रहा है तो ये कांग्रेस पार्टी ले लगे सो आज हिंदुस्तान के अंदर पूरी एशिया में काम भी इतने स्कीम नहीं ले लगा थे। आज तेलंगाना में हिमाचल प्रदेश में कर्नाटका में पब्लिक का बर्फ ये देती हूँ बोलती स्कीम देती हूँ गारंटी बोल रही नहीं वो गारंटी का नाम यूज कर रहे नरेंद्र मोदी मोदी गारंटी मोदी गारंटी मोदी गारंटी को वो गारंटी का पावर होता रहने से इतना मोदी आज गारंटी को बोल रहा है वो पावर नहीं रहता तो आज हिंदुस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन बचना का तो आज हमारी जमहूरियत मुल्क जो है हमें बहिचार गया। आज कांग्रेस पार्टी में चर्चा मिलता सो पूरे जात जमात वाले देखो बैकांग के बिठाई बैकांग रिजर्वेशन कौन दी सो कांग्रेस पार्टी आज एस सी एस टी वाले इनको रिजर्वेशन दी उनका आदिनायक क्या बेटी आज माइनॉरिटीज को बीजेपी में जो खाली 21 पार्टी वाले 21 फॉर्म वाले रहती लेकिन सबका साथ सबका विकास होना का तो कांग्रेस पार्टी आई तो सबका साथ सबका विकास होगा। आज आज बीजेपी वाले बोले 15 लाख आती को 15 लाख किसे तो भाई क्या किसे भी आई नहीं लेकिन राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर बने तो हर बैंकों को एक एक लाख रुपए अकाउंट को आती कितने आती सिद्धरामय्या 2000 देनी है वैसा हर बैंकों के अकाउंट को एक एक लाख रुपए आती 5 साल को 5 लाख रुपए आती उसके वास्ते पूरे घर में पूरे बैंकों को बोलना खाली मुसलमान खाली दलिता वास्ते कांग्रेस पार्टी नवे क्या भी पोसे मुसलमान की पार्टी क्या मुसलमान क्या नेशनल प्रेसिडेंट कांग्रेस का नहीं एक दलित दलित की दलिता को भी लेने जाने की पार्टी एक नेशनल प्रेसिडेंट पोस्ट आज हमारे कर्नाटका को देखो ही कर्नाटका के दलित हम पूरे आज हमें नेशनल प्रेसिडेंट का होम स्टेट है यहाँ से हमें पूरे स्टेट हम 20 सीट जीता को भेजे तो कर्नाटका की एक इज्जत रहती है उसके वास्ते पूरे मिलकर पूरे कौमा वाले सबका साथ सबका विकास होना का तो कांग्रेस पार्टी आई तो सबका साथ होता सो उसके वास्ते अच्छे दिन आना का तो भी कांग्रेस पार्टी आना उसके वास्ते हमारे ये हमारे जो गोपाल इनो है केवी गौतम साहब है उन्होंने स्टूडेंट कांग्रेस से यूथ कांग्रेस से काम कर लेगा को आज के हमारे बेंगलुरु सेंट्रल के कांग्रेस प्रेसिडेंट को मेयर के बेटे उन्होंने
कि कांग्रेस के साथ लगाव है, फिर उन्होंने कहा कि बाहर वाले को बोलती नहीं, ये गांव में उनके कोलार में उनके भाना को देखो ही, हमारे गांव के बुलेट नायक स्वामी उनके रिश्तेदार जिला पंचायत को नीलकंठ नवनाथ चिंतामणि इसमें खड़े जाए, श्रीनिवासपुर तालुक में खड़े जाए, क्या करते एक जिला पंचायत कॉन्स्टिट्यूंसी में 31 कॉन्स्टिट्यूंसी है वहां जाकर काम भी खड़े जाए एंटायर जिला पंचायत में। अब पार्लियामेंट में कहते जाको ना हमारे सीपीएम गोपाल नरेंद्र मोदी का अपोजिट नॉमिनेशन दल जा आगोदल ना अवकाश को हमारे बाबा साहेब अम्बेडकर ये दिन संविधान ने उसे बचे रखना हमने पूरे को उसके वास्ते उसके बचाने के वास्ते पूरे कोशिश करको आने वाले इलेक्शन में 20-26 तारीख को जुम्मा आती है उस दिन में पूरे लोग पूरे मिलको जाको ज्यादा कर रहे पूरे लेको गए तो पूरे हमारे आदमी पूरे कांग्रेस को जलते सो पूरे को लेको पूरे दस जमात वाले लेको हमें कांग्रेस को वोट डला को आइन जजा को हमें पूरे भाईचारगी से ऐसा जीना को तो कांग्रेस पार्टी आना उसके वास्ते पूरे मेहनत पड़को कांग्रेस पार्टी के लेला कहेंगे हमारे गौतम साहब को जिताएंगे फिर हमारा आदिनारायण की इज्जत बचना को तो हमें कांग्रेस पार्टी को पत्तूर मंडना की इज्जत है आदिनारायण की इज्जत है कांग्रेस पार्टी को जिताना इसके वास्ते हमारे जो भी लीडर्स हमने मौका दिए उन सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। इसी तरह और भी लीडर्स हैं बात करते हैं इंशाल्लाह।